बिफोर वी ओपन द क्वेश्चंस, आई थिंक हम सबके सब उस गाने को बड़े पर्दे पे देख रहे थे, नीचे आपकी इस मुस्कान को देख रहे थे, आपकी मुस्कान देख के हमारे चेहरों पे मुस्कान थी. टेल अस अबाउट इट रानू जी, वो कलकत्ता का स्टेशन, वहां पे बैठ के वो गाना गाना, वहां से फिर वो सोशल मीडिया पे, फिर एचआर ने आपको ये गाना, मतलब कि ये फीलिंग क्या है, क्या लग रहा है आपके दिल में, क्या चल रहा है सर, बताइए. Because God always with me, that's why. Thanks God. Thanks to God. Yeah, because He always can bless me. That's why. Thank you so much. Because God is always time loves me, you know. That's why. Because He is great, no. यानी भगवान जो हमारा है वो बहुत बहुत ही प्यार करते हैं मुझसे. यानी यीशु जिसका नाम, उन्होंने इतना प्यार किया है, इतना प्यार करते हैं कि हम उनके पास कितने भी आते हैं. क्या बात है जी, थैंक यू. वाओ, और मुझे यहाँ के बहुत खुशी मिली है, बहुत. मैं इनकी वजह से उनकी आंखों में तो खुशी की आंसू आ गए. हाउ स्वीट इज दैट, सुपर. एक होती है दुख की आंसू, उनके आंखों में खुशी की आंसू है, जो मैं भी कभी कभी खुशी से रो देती हूँ, तो ये खुशी की आंसू. देखिए ये सफ़र आप लोगों की वजह से हुआ है. ये इतना इनफॉर्मल हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इतना ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान कितनी मेहनत से, हर घर में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए दुआएं की जाती हैं, फिर उसके टैलेंट को आगे लेके जाने के लिए हम लोग पता नहीं क्या करते हैं. लेकिन कभी कभी हमारी अपनी जद्दोजहद में हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, और उसके बाद कोई ऐसा टैलेंट सामने आता है तो उस टैलेंट को अगर हम आगे लेके जाते हैं तो हमें लगता है पता नहीं हमने क्या कर दिया. एक्चुअली हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि सब कठपुतली हैं हम लोग, सिर्फ ऊपर वाला ही सब कुछ. वाह, दैट्स इट, थैंक यू. हम लोगों ने कुछ नहीं किया इनके लिए, बस अब यही है कि हमने हमारी तरफ से कुछ जो हो सका हमने किया. लेकिन अब आप लोग इन्हें और आगे लेके जाइए, इतना बड़ा बनाइए, और हर जगह पे जहाँ टैलेंट देखे उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए. बिकॉज हमें भी किसी ना किसी ने सपोर्ट किया था तब हम आगे आए थे. क्या बात है. आपके अंदर ही तो भगवान ने मेरे लिए इतना काम किया है, इतना ग्रेटनेस, इतना मुझे खुशी दी है ये गाने पे, और मुझे हर दुख भुला दिया, सब ऊपर वाले नहीं सच और मैं. लेकिन इनके अंदर से इन्हीं के वजह से मुझे, अगर इन्होंने मुझे ना ये मौका देते तो मैं कभी नहीं गा सकती. लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे अतिंदर जी ने वो वीडियो शूट किया तो ये नहीं होते तो वो नहीं होता, तपन जी इतना सपोर्ट नहीं करते तो नहीं होता, दीपशिखा जी मुझे हाँ ही नहीं करती, ये फिल्म ही नहीं बनाती तो ये नहीं होता, कुमार जी ने इतना सपोर्ट नहीं किया होता एज अ म्यूजिक कंपनी तो नहीं होता. इतने लोगों ने, आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट हो गया, पूरी ऑडियंस आ गई, पूरी मीडिया ने इतना सपोर्ट दिया, तो मैंने कुछ नहीं किया. जो भी किया है आप लोगों ने किया है, हम सब ने, बस हम सब जरिया हैं. वो ऊपर वाला चाहता था कि शी हैज़ टू बिकम अ बिग स्टार एंड शी इज अ बिग स्टार. वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही बात कही है. एक्चुअली रानू जी भी ऊपर वाले को याद कर रही हैं, और हिमेश ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऊपर वाले ने हम सबको एक जरिया बनाया आज रानू जी को सबके सामने लाने के लिए. आई थिंक हम सबके जहन में बहुत से सवाल हैं. आई विल टॉस इट टू माई फ्रेंड्स इन मीडिया. आपके जो सवाल हैं, इफ यू कैन रेज योर हैंड्स, विल गेट द माइक टू यू. Yes. Can we get the mic there? ये सारे जज्बात हैं जो अंदर से आंसुओं के थ्रू बाहर आ रहे हैं. ओके, कैन यू कैच द माइक? श्योर. ओके, नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार. Hi Himesh, Faizan this side from News Helpline. Hi. Himesh, on your left. There. Left. Yep, here. Sorry. Okay, Himesh, सबसे पहले क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सबसे पहले रानू जी की आवाज़ सुनी, उन्होंने जब आपके आपने उनका वीडियो देखा तो क्या रिएक्शन था, सबसे पहले पहला थॉट क्या दिमाग में आया आपके? नहीं, मैंने वो वीडियो एक्चुअली सुपरस्टार सिंगर के जब सेट पे हम लोग वो रियलिटी शो में सडनली यू नो यूजली जजेस को बताते नहीं हैं
because otherwise, you know, they have to capture it on camera. So it has to be real, and they create a very real moment. So they didn't tell us. So unhone suddenly contestants, jo bachche bahut hi great perform kar rahe the show mein, uske beech mein Ranu ji ko wo log le aaye. Kyunki kahin na kahin wo show mein genuinely they want the talent to go to that next level. So usme Ranu ji ko laaye aur unhone wo ek pyar ka nagma live gaya wahan pe. Yep. और वो वायरल ऑलरेडी हो चुका था और मुझे जब मैंने देखा जब वो सुना है ना आई जस्ट फेल्ट कि ओ माय गॉड ये आवाज़ लाइव में ऐसा गा रही है सामने तो मुझे लगा और तेरी मेरी और तीन चार गानों की अभी हमारी जो रिकॉर्डिंग्स है वो प्रोसेस में थी हमने पहले दो तीन गाने जो रिलीज़ कर दिए थे तो हमें लगा कि ये तेरी मेरी में आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर इट वॉज अ ड्यूएट एंड मेनली डोमिनेटेड बाय अ वेरी ब्यूटिफुल आलाप तो मुझे ये लगा कि यार ये आवाज़ बिल्कुल राइट है और अंदर से एक चीज़ जो मुझे ऑलवेज लगती है क्योंकि मैं जब नया था तो मैं तो सीरियल प्रोड्यूसर था और पहले सुभाष जी और पुनीत जी की वजह से 16 साल की उम्र में मैं सीरियल प्रोड्यूसर बन गया मेरे पिताजी ने मुझे म्यूज़िक सिखाया लेकिन वो यूज़ कहाँ करता मैं 350-400 गाने मैंने बना के रखे तो सलमान भाई के साथ वो मेरे डैडी ने उन्हें साइन किया था वो फिल्म नहीं बनी उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे ब्रेक देंगे तो मैं तो प्रोड्यूस कर रहा था फिल्में सीरियल्स कभी सोचा नहीं था कि मैं कैसे स्ट्रगल करूंगा या म्यूज़िक मेरा कैसे बाहर आएगा तो सलमान भाई ने वो एक दिन अपना वादा पूरा कर लिया उन्होंने कहा था प्रॉमिस किया था मुझे और उन्होंने मुझे ये गाने दे दिए वो गाने हिट हो गए तो सलीम अंकल ने तब मुझे बात कही थी कि भाई अच्छा टैलेंट देखो तो यू हैव टू गिव इट बैक टू द इंडस्ट्री अगर इंडस्ट्री आपको देती है तो मैंने अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ कभी कोई न्यू कमर अगर कोई मिले तो जितना हो सके हम लोग और यू नो हर म्यूज़िक कंपनी या प्रोड्यूसर या सब लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता ही है कि भाई अगर किसी में टैलेंट हो तो मिले बट एक्सेप्शनल टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है बहुत ग्रेट टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है तो उस टैलेंट को जहाँ पर भी हम स्पार्क देखते हैं वो हमें करना चाहिए ये मैंने सीखा था और वही चीज़ करता आया हूँ और रियलिटी शोज़ में भी करते थे और जहाँ पे ये आवाज़ देखी तो बिल्कुल वो बात अंदर से आ गई कि यार तेरी मेरी कहानी के लिए ये एक्सेप्शनल वॉइस होनी चाहिए कुछ और नहीं सोचना चाहिए तो बस वो मैंने वादा कर दिया अब वादा करने के बाद मैंने दीपशिखा जी से भी बात की मैंने कुमार जी से भी बात की और उन लोगों ने भी इतना सपोर्ट किया और ये बात वायरल हो गई वो गाना मेकिंग में ही इतना पॉपुलर हो गया रिलीज से पहले इतना म्यूज़िक इतना पॉपुलर हो गया फिल्म का सो ये सब कुछ जो हुआ वो सिर्फ एक अंदर से एक आवाज़ आई थी एक दिल से दिल का कनेक्शन था क्योंकि म्यूज़िक इज़ समथिंग विच यू इमोशनली कनेक्ट टू यू डोंट रियली प्लान म्यूज़िक म्यूज़िक आपका बनता है वो नोट्स अच्छे लगते हैं वो गाने अच्छे लगते हैं और उसमें सही आवाज़ बैठ जाए और सब कुछ हो गया तो मैंने कुछ किया नहीं है जो एक इंटेंट था कि हमें कहीं ना कहीं अच्छा टैलेंट मिले तो आगे लेके जाना चाहिए वो हमारी पूरी यूनिट ऑफ हैप्पी आर डी हीर का हमेशा से ही रहा है बिकॉज़ ये फिल्म में काफ़ी नया टैलेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है बहुत हर डिपार्टमेंट में हो रहा है हमारा डायरेक्टर नया है ही वॉज अ वेरी गुड कोरियोग्राफर सो कहीं ना कहीं लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द टीम एंड बस रानू जी आपकी वजह से हैज़ गॉन टू दैट नेक्स्ट लेवल और बस हम ये जो इट्स हर डे यू हैव टू टेक हर टू दैट नेक्स्ट लेवल